नमस्कार, रीनास फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम चावल के आटे का मीठा पीठा बनाएंगे। ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, आइए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। मैंने एक कढ़ाई में लगभग 1.5 कप पानी डाला है, ये गर्म हो गया है। इसमें 2 कप चावल का आटा डालेंगे। अब इसे हम मिलाएंगे, इसे हम लोग चाड़ना कहते हैं। चावल का आटा का हम डो तैयार करेंगे। इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। अब थोड़ा सा हम आटा लेंगे और हाथ में करके देखेंगे। देखिए ये गोल हो रहा है, इसका मतलब ये पक गया है। गैस ऑफ कर देंगे, किसी बड़े बर्तन में इसे निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद इसे गूंधेंगे। ये ठंडा हो गया है, अब आप थोड़ा सा हाथ में घी या तेल लगा लें, उसके बाद इसको खूब मस लें। इसको मैंने खूब मसला है, कम से कम 8 से 10 मिनट आप मस लेंगे। और 2 कप चावल के आटे में 2 कप पानी लगता है। 1.5 कप मैंने पानी गर्म किया था और 1/2 कप आप गरम करें बाद में। और जिस बर्तन में आप, जिस कढ़ाई में आपने चावल को चढ़ा है उसमें रखें, बाद में डाल दें और उसको खूब मस लें। देखिए मैंने गूंधा है। अब गूंधने के बाद इसको बॉल बुला के देखते हैं, कोई क्रैक्स नहीं है। इसे ढक करके 5 मिनट के लिए रखें। मैंने 2/3 कप मावा लिया है, होममेड है और अच्छा भुना हुआ है। यदि आप बाज़ार का लेते हैं तो थोड़ा सा उसे भून लें। इसमें आप 3 टेबल स्पून आप चीनी डालें, 4 इलायची पाउडर डालें, थोड़े से काजू और किशमिश डालें। चीनी को मैंने पीस लिया है और काजू को कट कर लिया है। इसे मिक्स कर लें। 5 मिनट के बाद आप इसे फिर से मस लें, मक्खन जैसा सॉफ्ट बना लें। नींबू के साइज का आप इसे, इसका बॉल बनाएं। एक बॉल लें और हल्के हाथों से इसे कटोरी जैसा बनाएं। इसमें 1 चम्मच स्टफिंग ले डालें, दबा करके इसको लड्डू के शेप में दें। ऐसे बनाएं, थोड़ा सा स्टफिंग ले लें, इसको दबाएं और हल्के हाथों से बंद करें। इसमें आपको क्रैक्स नहीं करना है, यदि क्रैक्स आ जाएगा तो फट जाएंगे। स्टफ किए हुए पीठे तैयार हो गए हैं, अब आगे की प्रोसेस करेंगे। मैंने कढ़ाई में 1 लीटर दूध बॉईल किया है। जब बॉईल हो जाए तो जो स्टफ किए हुए पीठे हैं उसको डाल देंगे। इसे पकाएंगे, जब पीठा ऊपर हो जाए, तैरने लगे, तब इसको निकालेंगे। सारे ऊपर आ गए हैं, अब एक एक करके हम निकाल लेंगे। अब फिर से इसमें पीठा डालेंगे। सारे साइज बढ़ गए हैं और ऊपर भी आ गए हैं, अब आप इसे निकाल लें। जब हम पिट्ठा पकाते हैं दूध में तो वो गाढ़ा हो जाता है। थोड़ा सा और गाढ़ा करने के लिए इसमें 1 चम्मच जो स्टफिंग है वो डाल देंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इलायची पाउडर डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी डाल दें। दूध गाढ़ा हो गया है,
अब इसे ऑफ कर देंगे और पीठा में डाल देंगे सारे मीठे पीठे पर। अब इसमें जो गाढ़ा दूध है वो डाल देंगे और इस पिट्ठा को हम ठंड के दिनों में बनाते हैं, इसे फ्रिज में नहीं रखते हैं। आप गर्मी में बनाएं तो सेम डे आप खा लें। आप इसे गार्निश कर दें, मैं बादाम से कर रही हूँ। आप इसे 1 से 1.5 घंटे रखने के बाद ही खाएं तो उसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो यह था मीठा पीठा बनाने का आसान तरीका। आप इसे बनाएं और अपना अनुभव रीनाज फूड कॉर्नर में कमेंट करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।